बिंदास हरियाणा की टीम पहुंची है ज्वार नवोदय विद्यालय पावड़ा में। आइए आपको ज्वार नवोदय विद्यालय पावड़ा की एल्युमिनी की वो तमाम झलकियां दिखाते हैं, उन तमाम पूर्व नवोदयन से मिलवाते हैं जो यहां पर 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले पढ़कर गए हैं। आइए बिंदास हरियाणा की टीम के साथ और आपको ले चलते हैं ज्वार नवोदय विद्यालय पावड़ा हिसार हरियाणा में। हर वर्ष की भांति इस बार भी हरियाणा के हिसार जिले के ज्वार नवोदय विद्यालय पावड़ा में एक शानदार एलुमनी मीट का आयोजन करवाया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसे ही पूर्व नवोदयन विद्यालय के अंदर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, माथे पर तिलक लगाया गया, मालाएं पहनाई गई और साथ ही साथ उनको बुक्के भेंट किए गए। हम आपको बता दें कि ज्वार नवोदय विद्यालय पावड़ा एक ऐसा संस्थान है जिसके पढ़े हुए पूर्व छात्र आईएएस बने हैं, एचसीएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, तमाम उन पदों पर आसीन होकर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसको निजी संस्थान कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हम आपको बता दें कि इस एल्युमनी मीट में आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ, कमांडेंट अनिल दुहन सहित अनेक पूर्व नवोदयन ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्लेसमेंट हब है तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय है। इन विद्यालयों के अंदर पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो अपना ही नहीं, माँ बाप का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा प्लेसमेंट हब बन गया है। अनुभव व मेहनत के आधार पर नवोदय के बच्चे सभी निजी व सरकारी संस्थानों को पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसा माहौल है। कम सुविधाओं में ज्यादा करके दिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण नवोदय विद्यालय ही है। उन्होंने बच्चों साथ अपने बचपन के अनुभव भी साझा किए। इस दौरान खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सभी अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नवोदय में पढ़कर बच्चे चाहे कितने ही बड़े पदों पर चले जाएं पर उनके अंदर कभी ईगो नहीं आती। जो बच्चा बचपन से ही स्वावलंबी होता है उसका सफल होना लाजमी है। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को सुझाव देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन स्किल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और सफलता जल्दी मिल सके। उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि आप जीवन में सफल हो या ना हो पर जीवन में अच्छा इंसान जरूर बनना है। डॉक्टर हरीश वशिष्ठ व अनिल दुहन सहित तमाम पूर्व नवोदयन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं वो नवोदय विद्यालय स्कूल पावड़ा की ही बदौलत है। उन्होंने कहा कि जीवन में प्रतिस्पर्धी दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी बच्चे सपने जरूर ले, लेकिन जीवन में सपने वो लेने चाहिए जो आपको कभी सोने न दे। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका 90% हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो बच्चा रिविजन को ज्यादा महत्व देता है वो कामयाब जरूर होता है और कभी भूलता नहीं है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कैरियर बनाने व मुश्किल चीजें याद करने के आसान तरीके भी बताए। अपने स्कूल में आना तो सबके लिए बहुत ही सुखदायक होता है, तो यहाँ हम 7 साल पढ़े हैं तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। अभी जो सिल्वर बैच है 98 उसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको मैं बधाई देता हूँ इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए। और आदरणीय प्रिंसिपल साहब भटनागर जी ने जिस तरह से स्कूल को और संजोया है और आगे बढ़ाया है उसके लिए सरकार भी हम धन्यवाद करते हैं। नवोदय बने हैं तब से ही नवोदय का बेस्ट रिजल्ट रहा है, आज भी वो परंपरा कायम है। एक से एक महंगे स्कूल हैं लेकिन रिजल्ट के मामले में, बच्चों के सर्वांगीण विकास के मामले में ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है। खासतौर पर गाँव के बच्चों के लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से संबंध रखते हैं उनके लिए इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू एजुकेट देमसेल्फ एंड टू ग्रो इन देयर लाइफ। सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा खुशी थी
कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया, समझो लाइफ बन गई। और इसी खुशी के साथ फिर इसी स्कूल ने, नवोदय विद्यालय पावड़ा ने हमें सपने भी दिखाए और उन सपनों को कैसे अचीव किया जाता है, जैसे डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बताया। बीट बहुत ही अच्छे तरीके से 98 बैच में बहुत ही अच्छे सिल्वर जुबली जो बैच है उसने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की और हमें स्कूल ने मौका दिया कि भाई हमने जो लाइफ में सीखा है स्कूल से वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकें और उनको एक उनका मार्गदर्शन कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें कि भाई वो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करें। तो बिल्कुल ताज़ा हुई, मेरे बैच के ही मैं सेकंड बैच से हूँ, मेरे बैच के ही 9 स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट्स आज आए हुए थे, फर्स्ट बैच से भी थे और बहुत सारे, बहुत अच्छा लगा इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और सबसे मिलके आपस में बातें करके उनके बारे में जान के बहुत खुशी हुई। क्या करते हैं? मैं इंडियन नेवी में कैप्टन हूँ और अभी आई एम कमांडेंट 1 वायरलेस एक्सपेरिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट। बहुत अच्छा लगा, बहुत साल बाद आज नवोदय स्कूल में आए, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और बहुत मज़ा आया। मैं ये कहना चाहूँगी हमारा नवोदय बहुत 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 ही अच्छा है और हम इतने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बार बार ही आना चाहिए। बचपन की यादें ताज़ा हुई? बचपन की यादें तो होती है। तो नवोदय विद्यालय पावड़ा की क्या खूबी है? नवोदय पावड़ा की क्या खूबी है? खूबी है, कमी तो कोई है ही नहीं। एलुमनी रही, पुराने साथियों से इतने सालों के बाद जो मिले तो अपना बचपन यहाँ याद आ गए और सभी साथियों ने शपथ ली कि नए बच्चों को हर तरह से सलाह देंगे, समर्थन देंगे, उनका सहयोग करके उनको उन पदों पर पदासीन होने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर नेशा सिंह है, मैं टीचर एजुकेटर हूँ चंडीगढ़ में और मैंने 3 साल नवोदय स्कूल में बिताए हैं और अगर मैं उन मेमोरीज के बारे में बात करूं तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है मुझे कि बहुत छोटे थे और चीज़ें अब वो सामने आ रही हैं, घंटियां बजना और घंटियों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी चलना वो यहीं से सीखा था। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है वो इस स्कूल में स्कूल ने सिखाया है। टीचर्स आपके 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो इस स्कूल से सीखा है और शायद एक सेल्फ सफिशिएंट बनना कैसे होता है, कैसे बना जाता है, ऐसा व्यक्तित्व कैसे बना जाए जिसमें आप अपने काम भी कर लें, करियर भी बना लें और एक अच्छे इंसान भी बने, वो हमने इस स्कूल से सीखा है। नवोदय विद्यालयों की साल के अंदर एक एलुमनी मीट करवाई जाती है, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालयों से पढ़कर गए हैं वो अपने बचपन के ताजा अनुभव करने के लिए, उन बचपन की यादों को ताजा करने के लिए हर साल नवोदय विद्यालयों में आते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग बैच के, ये जवाहर नवोदय विद्यालय पावड़ा के वो पूर्व छात्र हैं जो अपने पुराने समय को याद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। जी कौन से बैच से हैं? 89 बैच। जी आपका बैच? आपका बैच 2001 पास आउट। 2001 पास आउट। आपका बैच 99 पास। आपका बैच 96 पास आउट। जी देखिए अलग अलग बैच से ये पूरा नवोदयन है और इन्हीं की जुबानी हम आपको लगातार सुनाएंगे कि आखिरकार इनका बचपन का अनुभव कैसा रहा है, जोहार नवोदय विद्यालय पावड़ा में इनके द्वारा बिताया गया जो समय था वो किस प्रकार से खास था, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं 1994 में यहाँ आया था 6th क्लास में और जब मैं आया था मुझे याद है कि मैं रोते हुए, मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती यहाँ छोड़ के गए थे, मुझे ये लग रहा था मैं कैद में फंस जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जब 2001 में पास आउट करके गया वही सीन दोबारा मेरी जिंदगी में आया, मैं रो रहा था कि मुझे स्कूल से जाना पड़ रहा है। जी और आज 2023 है, आप काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। जी आप कौन से बैच में आए थे? हम 89 से 96 पास आउट। जी कैसा रहा आपका बचपन? बहुत अच्छा था, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मन करता है एक बार फिर से बच्चा बन जाए और उसी जीवन को एक बार फिर से जिए। क्या कहना चाहेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय पावड़ा के बारे में? जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से, वही हम आगे अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं और वो बहुत कुछ इससे प्राप्त कर रहे हैं। बहुत कुछ सिखा रहे हैं। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? मैं 89 में हम यहाँ आए थे तो दोबारा साथियों से मिलकर, अपने बचपन के साथियों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। जी बहुत ही अलग अच्छा महसूस हो रहा है आज पुराने दोस्तों से मिलकर, छोटे बड़े भाइयों से मिलकर। जी क्या कहना चाहेंगे?
मुझे तो नवोदय ने एक नई जिंदगी दी है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर के सभी से मिल करके। औरों की नजर में हो सकता है कि हम बूढ़े लगते हो, लेकिन अब भी हमें बच्चे ही लग रहे हैं सारे। देखिए कमाल की बात ये है, कितनी गजब की बात कही है कि भले ही अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए हम बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी बच्चे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? नवोदय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ से हम डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखे हैं। सुबह उठते थे, शाम को भी पीटी होती थी, आज हम स्कूल से पढ़कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे हैं। क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ अभी फिलहाल, सिरसा मेरी पोस्टिंग थी, अभी ट्रांसफर हुई है मेरी नरवाना। जी मैं 2004 पास आउट हूँ, और नवोदय की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग थोड़ा सिंसियर बने हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट बने हैं। जी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पांव पर इन सभी को नवोदय विद्यालय ने खड़ा किया है। करीब 35 साल पहले शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुनर्मिलन समारोह में पहुंचे नवोदयन अपने पुराने स्कूल में आते ही खुशी के मारे इतने झूम उठे कि उनकी आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल पड़े और एक दूसरे से व बच्चों से अपने बचपन के अनुभव बांटे। इस दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय पावड़ा के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। पूर्व छात्र मिलन समारोह के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय पावड़ा के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी पूर्व छात्रों को व दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। ये देखिए जितने भी आप पूर्व छात्रों को देख पा रहे हैं, सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, चेहरे खिले हुए हैं, हो भी क्यों ना, उनका बचपन जो आज ताजा हो गया है। ये वही जगह है जहां पर इन बच्चों ने 7 साल अपने जीवन के बिताए हैं। छठी कक्षा में प्रवेश लेने के बाद 12वीं तक ये बच्चे इसी विद्यालय के अंदर पढ़े हैं। जोहार नवोदय विद्यालय पावड़ा के पूर्व छात्रों ने इस पूर्व मिलन समारोह के माध्यम से अपने जीवन के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को ताजा किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 सालों के दौरान जितने भी उनके अनुभव यहां पर रहे हैं, वो सभी पूर्व छात्रों ने उस जगह पर जाकर वो अनुभव अपने ताजा किए हैं। क्यों रो रही है? बुलाया नहीं आपने, बुलाया नहीं आपने। एक टारगेट बना लिया कि ये पोजीशन कभी तोड़नी नहीं है, ठीक है? और चाहे वो यूनिट टेस्ट रहा हो, चाहे सेमेस्टर रहा हो, कुछ भी रहा हो, 6 से लेकर 12 तक की रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है? कभी सेकंड नहीं आया, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने कि भाई ये अचीव करना है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, अगर आप देखोगे तो हैंडबॉल तो फर्स्ट रीजनल मीट हुई थी, उसमें मैं कैप्टन रहा हूँ, ठीक है? बास्केटबॉल हमने रीजनल मीट जीती है, ठीक है? डिस्कस थ्रो में मैं नेशनल खेल के आया, ठीक है? खिलाड़ियों ने 3-0 से मैच जीता और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, और रविंदर जी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें रणदीप जी मैन ऑफ द मैच
गेम लुप्त हो गई है और हम लुप्त हो गए।